दोस्तों आज हम बात करेंगे टीवी की। जब हम बहुत छोटे थे और हमारे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आया था तो हम लोग बहुत खुश हुए थे। सारे भाई बहन मिलकर टीवी देखते थे और घंटों बैठे रहा करते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था लेकिन बहुत खुशी थी और बहुत ही आनंद से हम देखा करते थे। जब कलर टीवी आया तो हम और खुश हो गए कि वाह, अब तो रंग भी दिखाई देने लगे। कलर टीवी के बाद धीरे धीरे टीवी स्मार्ट होता गया और टीवी इतना स्मार्ट हो गया कि टीवी का डिब्बा जो था वो गायब हो गया और टीवी दीवार पर लग गया, बिल्कुल स्मार्ट टीवी की तरह। मेरे घर में भी स्मार्ट टीवी है और आप सबके घर में भी स्मार्ट टीवी ही होगा क्योंकि आजकल स्मार्ट टीवी ही मिल रहे हैं। स्मार्ट टीवी घर घर की शान है, अच्छी बात है। स्मार्ट टीवी में हम मिररिंग भी कर सकते हैं, मूवीज वगैरह देख सकते हैं और जितना ज़्यादा बड़े साइज का हम टीवी लेते हैं बिल्कुल फीलिंग आती है हमें थिएटर की और बहुत ही खुशी से हम थिएटर की तरह उस टीवी को देखते हैं। लेकिन अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो खुश तो आप बहुत हो रहे हैं लेकिन आपको यहाँ सावधान होने की ज़रूरत है। आप भी कहेंगे कि टीवी से सावधानी, बिल्कुल टीवी से आपको सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि ये है आपके घर का भेदी। कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये आपके घर का भेदी आपकी लंका ढाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कैसे ये मैं आपको जरूर बताऊंगी। और आपने अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, नीचे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि ये घर का भेदी किस तरह से आपकी लंका ढा सकता है। अगर आपके घर में ये स्मार्ट टीवी है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्यों सावधान रहने की जरूरत है? क्योंकि यह स्मार्ट टीवी आपका अपना भी वीडियो बनाकर कहीं भी भेज सकता है। आप कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज के जमाने में जरूरी नहीं है कि कोई जो आपका ब्लैकमेलर है वो बाहर से आए, आपके घर में कोई कैमरा लगाए या कोई वॉइस रिकॉर्डिंग वाली चीज रखकर जाए। बल्कि अगर आपके घर में स्मार्ट टीवी है तो इस स्मार्ट टीवी का इस्तेमाल करते हुए वो आपका वीडियो बना सकता है। अधिकतर हमारे जो स्मार्ट टीवी होते हैं वो रखे होते हैं या तो ड्राइंग रूम में या फिर होते हैं हमारे बेडरूम में और दोनों ही जगह पर बैठकर हम अपनी खास चर्चा करते हैं, अपनी खास बातचीत करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे ड्राइंग रूम की बातें या हमारे बेडरूम की बातें हमारे घर से बाहर ना जाएं। लेकिन कुछ हैकर्स ऐसे होते हैं जो इस टीवी के जरिए आपका वीडियो बना लेते हैं और पूरा पूरा वीडियो बनाकर आपको सेंड कर देते हैं और आपकी ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है। आप भी कहेंगे कि इस ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए आखिर क्या करना चाहिए? तो बड़ी सीधी सी बात है कि अगर आपके पास ऐसा स्मार्ट टीवी है और उस पे एक कैमरा लगा हुआ है तो सबसे पहले तो आप उस कैमरे को हाइड कीजिए, किसी भी काली टेप से या किसी भी चीज से उस कैमरे को ढक दीजिए। दूसरी बात आती है आपके रिमोट की। बहुत सारे रिमोट आपके वॉइस से कंट्रोल होते हैं, यानी आप जैसे भी बोलते हैं वैसे ही वो कमांड ले लेते हैं और आपका टीवी उसी तरह से चलता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखिए और अपने जो बेडरूम है या आपका जो ड्राइंग रूम है उसकी रिकॉर्डिंग करवाने से बचिए और अपनी ब्लैकमेलिंग से बचिए। तो आपको लगेगा कि ये आखिर कैसे हुआ? तो सीधी सी बात है कि स्मार्ट टीवी भी काम करते हैं स्मार्टफोन की तरह। जिस तरह से आप स्मार्टफोन में अपनी रिकॉर्डिंग्स कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स को भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, वही सारे फंक्शंस लगभग लगभग इस स्मार्ट टीवी में भी होते हैं। और हैकर्स क्या करते हैं? हैकर्स इसी का इस्तेमाल करके आपका वीडियो बना लेते हैं। तो अगर आपके घर में है स्मार्ट टीवी तो आप सावधान रहिए और जिनके घर में है पुराना वाला टीवी वो और ज़्यादा खुश हो जाइए क्योंकि आपकी वीडियो नहीं बनाई जा सकती और आप सुरक्षित हैं। तो दोस्तों इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए, स्मार्ट टीवी अपने घर में रखिए लेकिन सावधानी बरतिए ताकि आपके वीडियो कहीं बाहर वायरल ना हो। अभी एक ऐसी ही घटना हुई है और एक हैकर ने घर का वीडियो बनाकर एक महिला से 40 लाख रुपए की मांग की है। ये न्यूज़ मैंने टीवी पर देखी और इसे देखने के बाद ही मुझे लगा कि अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए हम सभी को ये बातें जाननी चाहिए। इसीलिए मैंने आज आपसे अपने चैनल लिटरेचर एंड कल्चर में टीवी के स्मार्टनेस की बात की। तो इस टीवी के स्मार्टनेस से आप थोड़ा सा बचिए और खुद भी स्मार्ट हो जाइए। तो लिटरेचर एंड कल्चर में किसी और विषय के साथ हम फिर आपसे मिलेंगे।
तब तक सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।